वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो बहरहाल गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए। अब तालीम का जहाँ ताल्लुक है, वो तालीम उसकी घर पर भी होती है और ससुराल में भी हो सकती है। तालीम तो कैसे देखते हैं, ये क्या सही है? पार्लियामेंट में आएगा तो इसका समर्थन करेंगे? हम नहीं, समर्थन नहीं करेंगे। मतलब डॉक्टर साहब का ये बात है या समाजवादी पार्टी की? ना, समाजवादी पार्टी की नहीं, मैं माइसेल्फ। आप इसका समर्थन नहीं करते? आपको लगता है कि 18 से 21 के बीच में जो गैप होगा साल का, उसमें थोड़े से शक और शुबा हो सकता है कि अगर लड़की की उम्र, शादी की उम्र बढ़ा दी? शुबा कुछ नहीं भाई, बेटी हमारी हो या आपकी हो, किसी की हो, हमारी बेटी है, सब बेटियां हैं, हमें सबका उनके लिए अच्छी सोच रखनी। आपने बात कही कि आवारगी की तरफ बढ़ सकती है? नहीं, वो मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, आवारगी का नहीं, बल्कि ये है कि ये माहौल ठीक नहीं है, ये बात मनशा। आपने बात क्या कही थी? वो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने बात क्या कही थी। बात उस वक्त यही कही थी कि ये माहौल अच्छा नहीं, उस माहौल में ठीक नहीं रहेगा। तो बहरहाल गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए। अब तालीम का जहाँ ताल्लुक है, वो तालीम उसकी घर पर भी होती है और ससुराल में भी हो सकती है। तालीम तो कैसे देखते हैं, ये क्या सही है? पार्लियामेंट में आएगा तो इसका समर्थन करेंगे? हम नहीं, समर्थन नहीं करेंगे। मतलब डॉक्टर साहब का ये बात है या समाजवादी पार्टी की? ना, समाजवादी पार्टी की नहीं, मैं माइसेल्फ। आप इसका समर्थन नहीं करते? आपको लगता है कि 18 से 21 के बीच में जो गैप होगा साल का, उसमें थोड़े से शक और शुबा हो सकता है कि अगर लड़की की उम्र, शादी की उम्र बढ़ा दी? शुबा कुछ नहीं भाई, बेटी हमारी हो या आपकी हो, किसी की हो, हमारी बेटी है, सब बेटियां हैं, हमें सबका उनके लिए अच्छी सोच रखनी। आपने बात कही कि आवारगी की तरफ बढ़ सकती है? नहीं, वो मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, आवारगी का नहीं, बल्कि ये है कि ये माहौल ठीक नहीं है, ये बात मनशा। आपने बात क्या कही थी? वो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने बात क्या कही थी। बात उस वक्त यही कही थी कि ये माहौल अच्छा नहीं, उस माहौल में ठीक नहीं रहेगा।